हम तुम्हारे साथ हैं। आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन, और हसन मामूर जिस पार्टी ने पिछले यार इसका इको काम करो यार, ये कौन होता है इस पर, ये आज जो पार्लियामेंट है पिछले 1975 से आज तक 10 पार्लियामेंट में गए हैं नाथ कृष्ण, 9 नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए, हो सकता है हमें जिद हो, हो सकता है हम झूठ बोलते हो, वो ही बताए कि पिछले क्यों है। ये जो 87 के चोर जिन्होंने लोन साहब को चोरी की, हर कश्मीरी को चोरी की 87 में, जिसके बाद बंदूक आया और 1,00,000 लोग इस वक्त कब्रों में, लेकिन शर्म बा खुदा इनको लेकर आते। और मैं आपको एक वादा दिलाता हूं, याद रखना जब तक मैं इंशाल्लाह जिंदा हूं, मरने से पहले इनको इसका हिसाब लेकर रहूंगा। हर खून का कतरा जो उन्होंने बहाया है, हर उस बेगुनाह का खून का कतरा जो उन्होंने बहाया है, हर वो बेगुनाह जिसको उन्होंने जेल भेजा, हर वो बेगुनाह जिसको उन्होंने सेफ्टी एक्ट में अंदर किया, हर वो बेगुनाह जिसको शायद नौकरी लगती लेकिन सियासी जिद की वजह से उन्हें लगने नहीं दिया, मैं वादाबद्ध हूं बा खुदा एक एक का हिसाब इनसे लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा। बड़ी बातें करते हैं, अरे मैं आपको बता कोई चीज, अच्छा कल देखिए, कल मैं बैठा हूं तो अचानक देखा कि मेरे खिलाफ वो बोल रहे हैं फारूक साहब इस्लाम, फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हालांकि मैं कभी जाती अटैक नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे खानदानों में हदीस के बाहर शरा के बाहर कोई चीज नहीं होती। शादी उठा दे, आप अपने घर की बात करो, कभी बोलते हैं ये ए टीम है, कभी बी टीम है। 1992 और 93 में 5,000 मुसलमानों को मारा गया, जिसमें सरफरिस्त शिवसेना थी, उस शिवसेना के साथ बैठे हैं, शर्म इनको नहीं आती।
वो 3000 मारने के बाद 4 साल बाद बीजेपी की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर ये था, पर रेजोल्यूशन उन्हें यहां से भेजा, उसी वाजपेयी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया जिसमें उमर अब्दुल्ला एक मिनिस्टर था, शायद इनको नहीं आती, उसके बाद 2 साल मिनिस्टर था। और एक इंटरव्यू अभी आपने देखा होगा जो एक बच्ची ने लिया, उसमें ये बोलता है मुझे फख्र था मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, और अगर वो जिंदा होते मैं आज भी करता, तो क्या फर्क है मोदी जी और वाजपेयी जी में? वाजपेयी जी ने बोला पार्लियामेंट में बोला कि मेरे पास अगर 80 रस होगी तो मैं 300। मतलब ये है कि इनका प्रॉब्लम बीजेपी से नहीं है, इनका मुझे याद है जब मेरे फादर जेल में थे, जब हम उनको मिलने जोधपुर जेल जाते थे, जब मैं जेल में था तब फारूक अब्दुल्ला कहां था? तब फारूक अब्दुल्ला जेनीवा जाता था और बोलता था जो वहां तो कोई जेल में है ही नहीं, वहां तो सब हालात ठीक है। जब हम टारगेट खा रहे थे तब ये कहां थे? कश्मीर में पिछले 30 साल में 2 किस्म के आदमी, एक जिनने मार खाई, जो जेल गए, जो मर गए बेचारे, जो कब्रिस्तानों में दफन, जिनको सेफ्टी एक्ट लगा, जिनकी टांगे टूट गई, जिनके बाजू टूट गए, जो बेवा हो गई, जो यतीम हो गया, ये 99% लोग, और मुश्किल से आधा % लोग वो जिनने जेल भेजा, जिनने मार दिया, जिनने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। आप बताओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले किसमें थे? ये उमर अब्दुल्ला क्या मरने वालों में था, क्या जेल जाने वालों में था, या उनमें था जिन्होंने जिनके ऑर्डर पर लोगों को सेफ्टी एक्ट लगाया गया, गोलियों से भून दिया गया, इनके हाथ खून से रंगे हैं, अल्लाह का लाख करम है हम उस 99% में है, उनके साथ हम थे जब हमारी कौम पर इज्जतें हो रही थी। मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने चाहा जब हम इंशाल्लाह जाएंगे 2 चीजें, डेवलपमेंट और डिग्निटी। डेवलपमेंट का मतलब काम, हम काम करेंगे, हम इंकलाब लाएंगे, और उसमें हमने टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब सेब ही नहीं है, सेब है, अखरोट है, बादाम है, चेरी है, लाखों कनाल इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आपसे, इतना बड़ा पैकेज आएंगे, लाखों कनाल हाई डेंसिटी के अंदर आएंगे। अगर एक लाख कनाल हाई डेंसिटी के अंदर आए तो हमारा तकरीबन 20,000 बच्चा काम पर लग जाता है। ऐसे ही अगर 10 लाख टूरिस्ट यहां आए तो कम से कम 50,000 बच्चा काम पर लगता है। मुझे बताओ इनके पास हुकूमत पिछले 30 साल से 40 साल से एक टूरिस्ट के यहां आता है कभी? कोई एक चीज बना के रखी है? हम बनाएंगे इंशाल्लाह। यहां इतना टूरिस्ट आना चाहिए कि इंशाल्लाह यहां के बच्चों को रोजगार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। और दूसरा है इज्जत, डिग्निटी, वकार, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो भी नया प्राइम मिनिस्टर होगा मेरा वादा है आपसे, खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि जो कानून आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए रखे हैं वही तो कश्मीर के बच्चों के लिए भी होने चाहिए। सबसे बड़ा ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का मामला है, पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में, दिल्ली में, तमिलनाडु में जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो फर्क की होती है कि या क्या ये बंदा ठीक है या गलत है, लेकिन कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन फर्द की नहीं होती, खानदान की होती कि अगर पूरे खानदान में किसी एक से गलती हो तो उसकी सजा खानदान में हर उस 200-300 बंदों को लगता है जिनको इसकी जरूरत पड़ती है। और ये कानून किसने लाया? ये पहले से नहीं था, ये 1996 के बाद ही निजाम होने लाया कि नहीं बंदे के पीछे मत लगो, खानदान के पीछे लगो। आज बंदा कोई नौकरी में सिलेक्ट हो जाता है तो अचानक मालूम पड़ता है उसका ऑर्डर नहीं आ रहा है। भाई ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, आपका फादर ने कुछ किया 1990 में, वो था जनाब मैं तो 1997 में पैदा हुआ। मतलब ये कि पैदा होने से पहले ही ये तय हो गया था कि इसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी, वहां के पेट में ही वो जुर्म किया हुआ था, जानने से पहले ही उसने जुर्म किया हुआ था। ये कौन सा कानून है? ये इंसानों का कानून है। जो भी कोई जालिम कानून है, चाहे PSA हो, पोटा हो, या ये पुलिस वेरिफिकेशन हो, वो इंसानों के हाथ से। मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो हम खुशहाली का नया इंशाअल्लाह जो एक इनकलाब यहां लाएंगे। अभी नया आया है गुड बीजेपी, बैड बीजेपी, अच्छी बीजेपी और खराब बीजेपी। जिस बीजेपी में उम्र अब्दुल्ला हो वो बीजेपी अच्छी है वाजपेयी साहब की,
बाकी सब गलत। जिस शिवसेना में वो शिवसेना अच्छी, जो टॉर्चर उनके टाइम में हुआ हो वो कश्मीरियों के लिए हुआ है, वो भी बहुत अच्छा। गुड किलिंग बैड किलिंग, जो लोग मारे गए हैं इनके टाइम में वो भी बहुत अच्छा, इनके टाइम में जो भी हो बहुत अच्छा। कल तक पीढ़ी भी इनके साथ थी तो वो इंकलाबी लोग थे, आज जो इनके खिलाफ लड़ रहे तो वो सी टीम है। मतलब शर्म अगर तुमको आती नहीं, एक गुना बताओ, एक जुल्म बताओ जो कांग्रेस या बीजेपी ने किया हो मगर एनसी ने ना किया। हर वो जुल्म जो कश्मीरी पर हुआ उसमें एनसी का हाथ है। ये मेरा घर है, ये पूरा इलाका मेरा घर है। मैं सिर्फ हरे की बात नहीं करता हूँ, मैं फख्र से करता हूँ कि ये मेरी सरजमीन है। किसी ने पूछा बोला आप सजाद मुंह के खिलाफ लड़ रहे हो, बोला नहीं मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ जो उसके पीछे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुरुदास समझता है वो बहुत बड़ा है और सजाद वो बहुत छोटा है। वो मुझे मेरी हसीयत बता रहा है तू है कौन तेरे खिलाफ मैं लड़ूंगा। वो लगभग मोदी जी के लेवल का है, जो बाइडन के लेवल का, जो अमरीका का, पुटिन जो रूस का है उसके लेवल का है। तो हम रहे छोटे, लेकिन खुदा की कसम आपको अल्लाह की कसम है आज इस भाई की इज्जत रखना। 20 मई को इसको बोलना हो ये तो तकबर है। तकबर जो है अल्लाह को भगाना है, टूरिस्ट को भगाना है। ये जो टूरिस्ट साहब है ये जो इसका तकबर है कि मैं कोई बड़ा जुस्वाज गुस्सा है, इसको इंशाल्लाह 20 मई को आपको बताना है। क्योंकि अल्लाह तआला का गिज़ा तकबर होता है, बड़ा तकबर है इसको कि भाई मैं ये कर दूंगा। और एक चीज याद रखना, अल्लाह तआला ने आज ये जो कामयाबी है आपके सर बांधी हुई है इंशाल्लाह। अगर हमें मेहनत करनी है किसके लिए? मार्जिन के लिए, मार्जिन के लिए इंशाल्लाह। अब मेरा आपसे यह है कि जो भी यहाँ आए हुए मैं आपसे ताकीद करता हूँ अपने बच्चों के लिए वोट मांग रहा है। क्या वादा बंद है कि हम सब लड़ेंगे? सब हाथ उठाओ इंशाल्लाह। घर घर जाना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह यहाँ बाकी जो लड़ते थे मशीन साहब के खिलाफ कहते हैं कि टूरिस्ट आएगा और खानपुरा से इसका एड्रेस खत्म कर देगा, तो प्लीज आप उसका जवाब दे देना जब वो टूरिस्ट आएगा। इंशाल्लाह इसलिए एक एक बंदा घर से निकलेगा, याद रखना। ये मेरी इज्जत का सवाल है या आपकी इज्जत का सवाल है? और एक चीज में वादा बंद हूँ, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिज़्ने अल्लाह आप मुझे ये सीट दो, ये जो इख्तदार होता है इंशाल्लाह असेंबली का इख्तदार मैं आपके पांव के नीचे रखूंगा, ये मेरा वादा। बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी आपके सामने, दिल का ये मंजूर नहीं है, इसको हमने पकाना ठीक है ना। तो उसमें इंशाल्लाह अगर किसी जगह पार्टी में फैमिली में होता है कभी कभी इख्तलाफ होता है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये आज की बात नहीं, जब तक तो यहाँ बच्चे ये लेडीज गुजर जितने लोग हैं सब घर से बाहर आ जाते हैं। बहुत बड़ी रैली से खिताब किया मुझे, इससे ज्यादा लोग जो लोग ये कह रहे थे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला में नहीं है तो क्या उनको जवाब मिला? ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखो होता क्या। वो तो आधा पठन था, वो पूरा पठन नहीं था, वो निहालपुरा। अभी तो वहाँ एक और होना है दूसरे इलाके में, तो हर जगह होना है। ये जो जितनी भी बातें हैं उधर नहीं है इधर नहीं है, इंशाल्लाह 4 जून को मालूम पड़ेगा। हमारी बात काफी उनने की, अब वो अपने अतीत के बारे में बात। मेरी बात मजहब जो है मजहबी प्लेटफॉर्म एटलीस्ट कोई भी खेल सकता है, मैं खेल सकता हूँ सर, मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं खेल सकती है। मैं जाना नहीं चाहता हूँ उसमें। इस्लाम जो है वो घर से शुरू था आपका मामला है जी, अब ये मजाया बन गया है जी जी। कल तक वो उनके साथ थे तो अच्छे थे जी। शिवसेना ने 3,000 लोगों को मारा, 5,000 मुसलमानों को मारा मुंबई में, तो खराब थे। इनके साथ हैं तो बहुत बड़े, बहुत ही बड़े, शायद नमाज पढ़ने की उनके पीछे। जब उमर अब्दुल्ला साहब
फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ, तब बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। सब वो पूरी दुनिया में जाते थे कि कश्मीर में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, कश्मीर में कोई मर नहीं रहा है, सब ठीक है, तो वो ठीक था। तो उमर अब्दुल्ला साहब को अब शायद जिस तरीके से वो हर एक को लेबल कर रहे हैं, सीरियस लेना मुश्किल है। मेरे अपने लोग हैं, हमारा अपना इलाका है, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने हमें जिताना है और इंशाल्लाह मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन पहले दिन से। और मैं आपको बताऊँ, बेग साहब की मैं बहुत इज्जत है, मैं उनकी गोद में पला हूँ, बाकी सियासत अलग, मेरा हक बनता है उस घर पर, उसमें कोई शक नहीं है, ज़ाती तौर पर और सियासी तौर पर भी बिल्कुल। लोन साहब के साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे इस घर के, तो हक तो बनता है, वो टूरिस्ट का हक तो नहीं बनता है, बनता तो अपने का ही हक है। और सर उनकी तरफ से भी रेस्पॉन्स ठीक आया लग रहा है, इंटरनल सोर्स के आए ना आए, अब मेरी बात सुनिए, वो घर है मेरा, चाहे हमारी सियासत अलग हो कटे हो, मेरा घर है, मैं जाता रहता हूँ। मैं अभी अल्ताफ साहब ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन अल्ताफ साहब और मैं महीने में लगभग 2-3 बार एक दूसरे के घर जाते हैं, ज़ाती ताल्लुक हैं क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर के नहीं। इस इलेक्शन में अगर हम डेवलपमेंट कर पाएँ और डिग्निटी, लॉस्ट डिग्निटी अपनी वापस लाएँ, एंड मैंने इसे लॉस्ट डिग्निटी, इस वक्त जो जंग है, अब हमारे नौजवानों को जो एक वो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम की जाल में फांस के रखा है, उससे अगर मैं बचा पाऊँ तो मुझे लगेगा हमने बहुत बड़ा काम किया। सब पार्टियां हैं, ऐसी बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग है, पीडीपी है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, बाकी हैं। मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करना चाहूँगा कि बोल के कि मेरा जो मुकाबला है ए से है बी से है, उसे मैं किसी को तस्लीम नहीं।